ये ना एक और इशू है इस कार के अंदर, अभी गाड़ी हाई बीम पे है, ठीक है, आप ये देखो हाई बीम पे, अभी ये मैंने लो कर दिया तो हाई बीम। भाई एक चीज ना, कोई नहीं, मैंने इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे मिली नहीं, और अगर आपके पास भी टाटा पंच है ना तो कमेंट सेक्शन में बताओ इसके एसी के रिगार्डिंग। मुझे जो लग रहा है ना कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। भाई अपने को 4-5 दिन जो है वो हो गए हैं गुड़गांव आए हुए, ठीक है, बीच में अपन ने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि फैमिली यहाँ पे थी, मैं दिल्ली में था घर पे, और थोड़े से ना लोग कुछ लोग हैं जो नहीं आते हैं भाई व्लॉग के अंदर, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपन ने आते हुए करा था माइलेज रिव्यू। अब जो है अपन निकलेंगे और आज जो है अपन करेंगे अपनी गाड़ी का हाईवे परफॉर्मेंस टेस्ट, और माइलेज की वीडियो के ऊपर जो है वो बहुत अच्छे व्यूज़ आए ना, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, तो चलो एक बार आज जो अपन वापस चलेंगे और आज अपन आपको पूरा बताएंगे अपनी गाड़ी का टाटा पंच का हाईवे परफॉर्मेंस कैसा है और बाकी सीटिंग कम्फर्ट कैसा है, वो जो है आज अपन चलते हुए बात करेंगे। अब जो है यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं भाई कोटा की तरफ, गुड़गांव टू कोटा, चलो चले भाई, चलो अच्छा मिलते हैं, चलो बाय भाई, ये जाने ही नहीं देती यार, बाय, चलो भाई बैठो, चले ध्यान, चलो लेट्स गो, मिलते हैं फिर जल्दी, बाय 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 बाय। चलो भाई निकलते हैं अब गुड़गांव से, गाड़ी के अंदर फ्यूल जो है वो नहीं है तो एक बार फ्यूल अप करा लेते हैं, और अध्यान इधर आ गया है, मैडम आ गई है पीछे, अपन निकलते हैं टूवर्ड्स कोटा, देखेंगे कितनी देर लगेगी। अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 1:20, सबसे पहले फ्यूल अप कराते हैं फिर निकलते हैं। फ्यूल अप यहाँ पे जो रेट है वो आ रहा है 95.19, देखते हैं कितना फ्यूल आता है हमारी गाड़ी के अंदर। भाई गाड़ी के अंदर जो फ्यूल आया ना वो 24.64 लीटर आया है, जिसमें हमारा टैंक हो गया है फुल। गाड़ी के अंदर जो है वो लगभग 23.5 लीटर फ्यूल आया है। अब जो है अपन दोनों ज़ीरो कर लेते हैं और अब पकड़ते हैं सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे। हाँ जी सर, नहीं 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 सर, नहीं, थैंक यू सर, नहीं देखना। तो भाई फाइनली जो है अपन चढ़ गए मुंबई एक्सप्रेस वे पे, गाड़ी ने अभी तक कवर करे हैं 17.8 किलोमीटर हमारे घर से, और अब जो है अपने को लगभग 250 किलोमीटर इसी रोड पे चलना है, तो मैं नहीं चाहता कि सबको पकाता रहे 250 किलोमीटर तक। जब रुकेंगे तो वीडियो को वापस से रिज्यूम करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। गाड़ी का परफॉर्मेंस भाई सिटी के अंदर तो बहुत अच्छा है, जब हम आए थे तब हम जो है वो देख रहे थे माइलेज, अब जो है अपना फोकस रहेगा परफॉर्मेंस के ऊपर, तो परफॉर्मेंस के ऊपर अभी तक तो ऐसा सच कोई इशू नहीं लग रहा है मुझे। हाँ थोड़ा सा पुरानी गाड़ी से जब आप आते हो तो आपको लगता है कि अब जब आप छोटा पेट्रोल इंजन चला रहे हो तो उसमें तो डिफरेंस रहता है, बट वेदर काफ़ी अच्छा है, एसी इज़ परफॉर्मिंग वेल, गाड़ी भी सही चल रही है, अभी तक बहुत तेज़ नहीं चल रहे हैं, अभी तक जो हमने स्पीड मेंटेन कर रखी है वो 80-90 के आसपास है। जब एक बार टोल क्रॉस कर लेंगे मुंबई एक्सप्रेस वे का पहला वाला ना, तब जो है अपन जाएंगे करीब 110 के आसपास, 120 की स्पीड लिमिट है, फिर देखते हैं भाई कहां तक जाएंगे। और गाड़ी की माइलेज जो है वो अभी तक आ रही है 20.6, देखेंगे इस बार बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि जब हम आए थे ना तब जो है हमारी गाड़ी ने जब मुंबई एक्सप्रेस वे पर चढ़े थे तब 18.5 की माइलेज थी, और ना वो घटी ना वो बढ़ी, मतलब पूरे रास्ते हमें 18.5 की माइलेज मिली, और जब हमने टैंक टू टैंक नापा था तब अपने को जो माइलेज आ रही थी वो 16.5 की आई थी टैंक टू टैंक में, तो 2 किलोमीटर का वेरिएशन है। वेरियस जो पुरानी वाली गाड़ी थी अपने पास लीनिया, उसके अंदर जो है भाई वो बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं आता था, जितना मीटर में बताता था ना उतना ही था। तो अभी जो है अपना टोल आने वाला है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई मुंबई एक्सप्रेस वे का पहला टोल यहाँ पे कराएंगे हम अपनी गाड़ी को रजिस्टर, और जहाँ पे भी एग्जिट मारेंगे अपने को फिर वहाँ पे टोल देना होगा। ये सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे मुंबई एक्सप्रेस वे का, कि आपको 100, 200, 500, मतलब क्या आने वाले समय पे अगर आप 1200 किलोमीटर भी जाओगे ना तब भी आपको रास्ते में रुक के टोल नहीं देना, आपको एंट्री पे आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी, और जहाँ पे भी आप बाहर निकलोगे वहाँ पे फिर आपको एक ही बार टोल देना पड़ेगा। खोल दो जी, मैडम बड़ी सुस्त है भाई, चलो खुल गया है भाई, चले भाई मुंबई एक्सप्रेस वे। जब लास्ट टाइम आए थे ना तो अध्यान को कुछ भी नहीं दिख रहा था, है ना अध्यान, लेकिन अब आपको सब कुछ दिखेगा, तो अब जो है अध्यान लेगा मुंबई एक्सप्रेस वे का मजा, और हम भी लेंगे और थोड़ा सा आपको भी देंगे। तो गाइज अभी जो टाइम है वो हो गया है
3:50 हो गए हैं, 200 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं। 1:20 पे निकले थे, अभी रुके हैं ध्यान को क्योंकि भूख लगी थी, इनफैक्ट हमें भी लगी थी। तो अब जो है यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, 2 घंटे में वैसे भी रुक जाना चाहिए यार, उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अंदर ऑर्डर तो दे दिया है बट इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, इधर स्टारबक्स है लेकिन मैं कॉफ़ी पीता हूँ, देखेंगे अभी इच्छा है नहीं चाय पीने की, ज़्यादा इच्छा है मैडम और अध्यान जो है वो कॉफ़ी पीते नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ स्नैक्स के टाइम पे ले लेते हैं क्योंकि 4 बजे हैं, तो रात को घर जाके भी खाना खाना है ना तो हैवी हो जाएगा, फिर निकलेंगे। अरे समोसा अच्छा है क्या भाई? अच्छा है। अच्छा। और क्या मंगवाया आपने अपने लिए? अरे वाह यार, कब आएगा, कितनी देर में आएगा, पूछ के आओ, अभी नहीं आया। चलो भाई इन्जॉय करो आप। भाई ये है सैंडविच, ये देखने में अच्छा लग रहा है। और जो लास्ट टाइम खाया था ना जयपुर जाते हुए, इतना बुरा था वो, तो है ना, कम से कम भाई ऐसे तो होता है कि हाँ पता चल रहा है। हटा रहा हूँ। लो भाई चाय इधर आ गई है। चलो ध्यान इन्जॉय करो बेटा आप, ठीक है, और जल्दी खाओ फिर निकलेंगे, 4 o'clock हो गए बाबू, ठीक है। चलिए चलो भाई, स्नैक्स हो गया अपना डन, पेट पूजा डन, भाई खा रहा आइसक्रीम, अपने 100-200 किलोमीटर कंप्लीटेड। अब मिलेंगे मुंबई एक्सप्रेस वे कंप्लीट करने के बाद। भाई एक चीज़ ना, कोई नहीं, मैंने इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे मिली नहीं, और अगर आपके पास भी टाटा पंच है ना तो कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके एसी के रिगार्डिंग मुझे जो लग रहा है ना कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो चलाते हो तो एसी की कूलिंग जो है वो बिल्कुल टॉप नॉच रहती है, लेकिन अभी जो है हमने गाड़ी को लगभग 1.5 घंटे चला लिया और उसके बाद जो इसकी कूलिंग है ना वो सडनली ड्रॉप हो जाती है, मतलब काफ़ी अच्छी ड्रॉप हो जाती है। और उसके बाद जब गाड़ी, या तो कोई ऐसा सेंसर है जिस वजह से ये स्लो कर देता है, एसी का कंप्रेसर जो है वो पावर की वजह से डाउन हो जाता है, क्योंकि जब हम इसको फुल कर देते हैं ना तो जो 4 की स्पीड के ऊपर जो ब्लोअर की स्पीड है वो भी इसकी कम हो जाती है, कूलिंग भी कम हो जाती है। अध्यान ने भी बोला कि एकदम से गर्मी कैसे हो गई, है ना अध्यान? तो हमें भी ऐसा लगा, और जब हम आ रहे थे ना कोटा से तब भी हमें ऐसा लगा था। अगर आपके पास भी टाटा पंच है ना तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपने ये चीज़ फेस करी है, या ये पर्टिकुलर मेरी ही गाड़ी के साथ है। ऑल दो कल जो है अपन लेके जाएंगे गाड़ी को सर्विस कराने के लिए, अभी मुझे ना मैं कैमरे की तरफ नहीं देख सकता हूँ क्योंकि पीछे से भी गाड़ी आ रही है। कल जो है हम गाड़ी को सर्विस कराने लेके जाएंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे ना ऐसी चीज़ तो फिर तो मैं उनके ऊपर नहीं चढ़ूंगा, वरना तो भाई टाटा वालों के ऊपर कल अपने को जाके उनसे पूरी R&D करा लेनी है गाड़ी की, कि भाई बताओ ये क्या चीज़ है। क्योंकि हमें ये अच्छे से रियलाइज़ हुआ, लास्ट टाइम भी हमें 2-3 बार ऐसा लगा कि एसी की जो कूलिंग है वो ड्रॉप हो गई, मतलब बंद नहीं होता कि एसी ने काम करना बंद कर दिया हो, लेकिन जो ब्लोअर की फुल स्पीड करके जो ब्लोअर का थ्रो आता है वो कम हो जाता है। और ये हमें रियलाइज़ होता है कि जब गाड़ी 1-1.5 घंटे चल जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, तो या तो हो सकता है कि जब एसी को हम स्टार्ट करते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं, तो एसी अपने फुल ब्लोन पावर के ऊपर चलता है और बाद में जो है वो माइलेज को लेके, पावर को लेके अपना जो कंप्रेसर है, जो इन्वर्टर एसी तो लगाया नहीं होगा ना भाई। तो एक बार अगर आपके पास भी टाटा पंच है और आपने हाईवे ड्राइव और लॉन्ग ड्राइव्स करी है और आपको भी ऐसी ही कोई चीज़ एक्सपीरियंस हुई है ना, तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चेक कराना भी है भाई मुझे। तो भाई फाइनली 318 किलोमीटर्स कवर हो गए और अपन जो है अभी मुंबई एक्सप्रेसवे को एग्जिट कर रहे हैं, और इस बार जो हम मुंबई एक्सप्रेसवे एग्जिट कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं अपन सवाई माधोपुर की तरफ से। लास्ट टाइम तक हम जो एक्सप्रेसवे एग्जिट करते थे वो करते थे लालचौट, इस बार हमने 76 किलोमीटर और स्ट्रेच कर दिया है। अब यहाँ से कोटा जो है वो लगभग रह जाता है 120 किलोमीटर्स। गाड़ी की जो माइलेज है वो आप एक बार चेक कर लो, 19.9 है। अब मुझे एक बार ये देखना पड़ेगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ कि कोटा के लिए अपने को किधर जाना है, मैप देख लेता हूँ। भाई माधोपुर से एग्जिट तो मार दिया लेकिन 107 किलोमीटर के लिए बता रहा है 2:18, क्योंकि रोड जो है वो कोटा तक ऐसे ही सिंगल मिलेगा अपने को। बट देखते हैं कि अपन जो है ये गूगल आंटी को मीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मुझे तो लगता है कि इससे पहले पहुँच जाएंगे, सूरज एकदम सामने चमक रहा है, ठीक है। अब ऐसा ही रोड है तो बहुत कुछ आएगा नहीं रास्ते के अंदर,
अब जो है यहाँ से चलते हैं। अध्ययन भी थोड़ा सा अब सैड सैड सा फील कर रहा है, सैड मतलब बोर हो गया भाई, बहुत ही बोरिंग होता है। वो जो मुंबई एक्सप्रेस वे है ना, उसके ऊपर अपन ने गाड़ी चलाई है लगभग 5 घंटे के आसपास, और भाई बहुत ही बोरिंग था। मतलब क्रूज कंट्रोल पूरी जो रास्ते में गाड़ी चली है ना, अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर वो पूरी की पूरी क्रूज कंट्रोल के ऊपर चली है। रोड बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रहता है, कोई ब्रेकर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं है, लेकिन आप इतने बोर हो जाते हो ना, क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी को लगा के छोड़ देते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाड़ी है ना, वो क्रूज कंट्रोल से ज़्यादा मैनुअली कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा अच्छा माइलेज देती है। बट अब क्योंकि सिंगल रोड है और थोड़ी देर में आधे पौने घंटे के अंदर सूरज भी ढल जाएगा, बहुत नीचे आ गया है, अब चलते हैं यहाँ से। और अब जो है वो आपसे मिलेंगे डायरेक्टली कोटा में। ये ना एक और इशू है इस कार के अंदर, अभी गाड़ी हाई बीम पे है, ठीक है। आप ये देखो हाई बीम पे, अभी ये मैंने लो कर दिया तो हाई बीम बंद हो गई, इधर भी हाई बीम बंद हो गई, ठीक है। इसमें सिंगल बैरल लाइट है, जब मैं हाई कर रहा हूँ तो आप ये देखो लो बंद नहीं हो रही है, हाई साथ में चल रही है, ये देखो आप, जबकि ऐसा नहीं होता। अभी मैं दिल्ली से आया हूँ और जब मैं हाई बीम लगाता हूँ, ये मैंने हाई बीम लगाई है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है लो बीम बंद होती है और हाई बीम ऑन होती है। अभी जो गाड़ी की लाइट है ना, वो पूरी की पूरी डिपर मोड के ऊपर चल रही है, ये देखो, ये मैंने डिपर मारा, ये मैंने डिपर मारा, ये देखो, और ये जल रही है। अब ये मैंने हाई बीम करी, नीचे भी दिख रही है, तो लो बीम जो है वो बंद नहीं हो रही है। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए घर, गाड़ी लगा दी है हमने अपनी पार्किंग के अंदर। एक बार अब इधर मीटर देख लो, गाड़ी चली है 459.8 किलोमीटर। गाड़ी की जो माइलेज है वो 18.6 आई है। जितना पेट्रोल भराया था भाई, वो पूरा का पूरा 2500 रुपये का पेट्रोल जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। वैसे गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो आप आपको बताएंगे कल एक नई वीडियो के साथ। सफ़र में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। भाई मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए ना भाई अब जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और खाना खाने जाएंगे। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अलविदा, शब्बा खैर, सी यू।